क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 17 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहे कि जंगल फ्लड्स को कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज बता दो, एक एग्जांपल भी समझो। अगर घर में पानी डूब गया कहीं पर, तो मम्मा यहाँ पर पोछा मारते, एक काम वाली पोछा मारती है, साफ कर देती है इस पानी को। एक चीज ऑब्जर्व करिए, क्या होता है कि हम कपड़े से इस पानी को सोखते हैं, फिर यहां से पानी उठा के फेंक देते हैं। मतलब ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे तो है नहीं कि मैं पानी को उठा सकता हूँ, हाथ से तो उठा नहीं सकता, कोई ऐसी चीज पे डालता हूँ जो पानी को सोखता है, फिर दूसरी जगह उसको वो कर देता हूँ। अब सेम वे में होता क्या है कि जो प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है, जंगल में काफी सारे पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, प्लांट होते हैं, सैंड है, सब है ना। अब होता क्या है कि एक तो ये जो ये मिट्टी है ये पानी सोख लेती है, पौधे हैं ये भी पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनके पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी से के कारण फ्लड प्रिवेंट हो जाते हैं। अब एक चीज नोट करना कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ होते हैं, हरे भरे पहाड़ होते हैं, और उधर नदियां वदियां भी बह रही होती हैं, बट फ्लड नहीं आता वहां पर। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो ये पहाड़ होते हैं ना, जो ये ग्रीनरी होती है, ये फ्लड को प्रिवेंट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन पावर। ठीक है, सो आई कैन से प्लांट्स इन द फॉरेस्ट will not allow the rain water, will not allow the rain water to fall directly on earth because of as ठीक है, not allowed to fall directly on earth and these plants also hold water। ठीक है, तो ये सब फ्लड्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करते। ठीक है,